नहीं देखी तो देख लीजिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यामी गौतम के लेटेस्ट कंटेंट चोर निकल के भागा की। थासू एक्टिंग की है यामी गौतम ने, सनी कौशल ने, शरद केलकर ने भी, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम रोल दिया भाई उनको। ऐसा क्यों किया उसके बारे में बाद में मंथन करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको देते हैं चोर निकल के भागा का रिव्यू। चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर आ गई है ये फिल्म, जिसमें सनी कौशल और यामी गौतम मुख्य भूमिका में हैं। कहानी एक एयर होस्टेस और उसके बॉयफ्रेंड की है, जो दोनों मिलकर एक फ्लाइट में कुरियर हो रहे 120 करोड़ के हीरे चोरी करने की योजना बनाते हैं। मगर उनकी योजना में ट्विस्ट आ जाता है तब जब ये फ्लाइट हाईजैक हो जाती है। क्या ये हीरो हीरोइन हीरों की चोरी कर पाते हैं, उनकी योजना सफल हो पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। यामी और सनी दोनों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, हालांकि शुरुआत में ये फिल्म थोड़ी सी ढीली पड़ती है। हाईजैकर्स आपको बचकाने जरूर लगेंगे, मगर फिर जो कहानी में ट्विस्ट आते हैं वो बहुत ही मजेदार तो नहीं कह सकते, मगर हाँ थोड़ा इंटरेस्ट जरूर बढ़ाते हैं। मगर फिर भी आप कहानी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे अब क्या मोड आएगा, लेकिन फिर भी एक बार इस फिल्म को देखा जा सकता है। SBS Originals इस फिल्म को दे रहा है 5 में से 3 स्टार। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।